एथिकल हैकिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए सब्सक्राइब करें अभी के अभी साइबर रिच यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप लेटेस्ट अपडेट ना मिस कर सकें। सो हे गाइस, दिस इज साइबर ऋषि बैक हियर विद द न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिकॉनेसेंस के बारे में। तो अपनी एथिकल हैकिंग की क्लासेस के अंदर मैंने 5 वीडियो पहले से ही बना रखी हैं, जिसके अंदर मैंने बताया था बेसिक्स ऑफ हैकिंग, फुटप्रिंटिंग के बारे में 3 वीडियोस थी जिसके अंदर हमने प्रैक्टिकल भी करके देखा था, और एक था वेबसाइट मिररिंग। अब जो नेक्स्ट वीडियो आती है वो आती है हमारी रिकॉनेसेंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं रिकॉनेसेंस होता क्या है। रिकॉनेसेंस को अगर आप नॉर्मल गूगल पर सर्च करेंगे तो कई सारे टैब्स आ जाएंगे, लेकिन रिकॉनेसेंस अगर हैकिंग के अंदर बात करें तो इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करना। तो अब लोग बोलेंगे कि यार फुटप्रिंटिंग और रिकॉनेसेंस में क्या क्या डिफरेंस हुआ, तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, लेकिन अगर हम बेसिकली बात करें तो दोनों काफ़ी हद तक सेम ही होता है, और दोनों का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन ही गैदर करना टारगेट के बारे में। तो देखते हैं इसका काम कहाँ आता है। तो ये एक इमेज है जो हमें बताएगी कि सबसे पहले रिकॉनेसेंस आता है, उसके बाद स्कैनिंग, हम एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिकॉनेसेंस। तो रिकॉनेसेंस के 2 टाइप होते हैं, एक्टिव और पैसिव। आप कहीं भी बुक में देख लीजिए, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख लीजिए, तो सबसे पहले आपको यही बताएगा कि इसके 2 टाइप होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव के अंदर क्या होता है, एक्टिव में जो हैकर होता है वो एक वेबसाइट या फिर जहाँ पे भी उसको अटैक करना होता है उसकी डिटेल डायरेक्ट वेबसाइट से इंटरेक्ट करता है, और पैसिव में ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं एक्टिव का कोई एग्जांपल दूं तो वो होगा जैसे डीडॉस अटैक और डॉस अटैक, जिसके अंदर वो सीधा डायरेक्ट अपने टारगेट से इंटरेक्ट करता है। और डॉस और डीडॉस से रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले ही डाल चुका हूँ, जिसके अंदर हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा था और एक थ्योरी वीडियो बनाई थी, हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने कि क्या क्या होता है डॉस अटैक। तो अगर आपको देखना है तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता हमारा पैसिव। पैसिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम उससे डायरेक्टली नहीं जाते, क्योंकि एक्टिव में हमें फंसने का खतरा रहता है, हमें पकड़े जाने का खतरा रहता है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो काफ़ी बड़ी वेबसाइट या बहुत बड़ी कंपनी है और उस पर हम लोग जाके सीधा अटैक कर रहे हैं, तो अगर उसने कोई IDS लगा रखा है, जिसका मतलब होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, या फिर कोई और डिवाइस उसने लगा रखा है, तो उसके पास सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये बंदा एक अटैक करने की कोशिश कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, और हमारी IP उसके पास नोट हो जाएगी, उसके बाद पकड़े जाने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर मैं बात करूँ पैसिव की, तो पैसिव में पकड़े जाने का खतरा हमारे ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि पैसिव में हम क्या करते हैं, बेसिकली ऑनलाइन ही उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं अलग अलग सोर्सेज से। और मैंने आपको इन वीडियो में पहले भी बता रखा है कि किसी की इन्फॉर्मेशन लेना कोई इल्लीगल काम नहीं है। जैसे हमने इस वीडियो में देखा था जो फुटप्रिंटिंग की थी, हमने भी देखा था कि हम लोग कैसे किसी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, काफ़ी डीप इन्फॉर्मेशन, और वो भी लीगली, कोई इलीगल नहीं है क्योंकि वो ऑनलाइन प्रोवाइड है, तो हम बस इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं। लेकिन एक्टिव में ऐसा नहीं होता, ये खतरनाक होती है, आप पकड़े जा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग पैसिव ही करते हैं क्योंकि इसके अंदर पकड़े जाने का खतरा नहीं रहता, और कई कई केसेस में एक्टिव भी कर लेते हैं। और दूसरे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है स्कैनिंग। तो अब जब रिकॉनेसेंस के बाद उसको पता लग गया क्या क्या इसके अंदर उसने इन्फॉर्मेशन ले लिया, उसके बाद वो स्कैन करता है कि कितने कितने पोर्ट जो ओपन थे, कितने पोर्ट ओपन है, और उसके साथ साथ वो क्या कर सकता है। और उसके जब पोर्ट स्कैन करने के बाद, कुछ भी स्कैन करने के बाद उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली, फिर उसके बाद वो एक्सेस गेन करता है, देन उसके बाद वो मेंटेन करने की कोशिश करता है एक्सेस को, क्योंकि एक बार अगर एक्सेस ले लिया तो काम नहीं बनता, उसको बार बार जाना पड़ता है, और उसके बाद जब उसका काम ख़त्म हो गया तो अपने ट्रैक्स को भी क्लियर करना पड़ता है। तो ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं जो एक हैकर परफॉर्म करता है। अब एक और इमेज है मेरे पास, जिसके अंदर हमें आप देख सकते हैं क्या लिखा है, फुटप्रिंटिंग हुईज NS लुकअप सर्च इंजन सोशल नेटवर्किंग साइट से हम वो इन्फॉर्मेशन लेता है। हुईज काफ़ी अच्छा तरीका है किसी भी वेबसाइट या वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन लेने का। उसके बाद स्कैनिंग एंड इन्यूमरेशन आता है, पोर्ट स्कैन करना जो भी इसके अंदर होता है। फिर आता है हैकिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन, जिसके अंदर वो बंदा मैन द मिडल अटैक, स्पूफिंग, हाईजैकिंग, पासवर्ड क्रैकिंग, या फिर कोई भी पेलोड वगैरह डाल देना, ये सारे काम उसके अंदर होते हैं। और उसके बाद एक बैकडोर क्रिएट करना, अपने ट्रैक्स को क्लियर करना, और रूट किट वगैरह डाल देना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो ये 4-5 कुछ स्टेप होते हैं। तो इस वीडियो में यही था कि रिकॉनेसेंस क्या होता है, मैंने आपको बता दिया एक्टिव और पैसिव के बारे में, रिकॉनेसेंस के बारे में। और अगर आपको फुटप्रिंटिंग के बारे में पूरी नॉलेज लेनी है तो इन 4 या 3 वीडियो के बाद 3 वीडियो आप देख सकते हैं, उसके बाद ये लास्ट होगी रिकॉनेसेंस की वीडियो। और हम इसके आगे जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम देखेंगे प्रैक्टिकल करके कुछ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे।